हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। आज के वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में किस तरह के टॉपिक्स को अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी अपने वीडियोस में पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के जितने भी पोर्शंस थे उनको कवर किया, जहाँ पे हमने सीखा कि पार्टनरशिप क्या है, क्या क्या ऐसे नेसेसिटीज हैं जो कि एक पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए ज़रूरी हैं, किस तरीके से हम एग्रीमेंट्स को फॉर्म करते हैं, पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या हैं, कौन कौन से डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि हम पार्टनरशिप फॉर्म में बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमें एग्रीमेंट में कोई चेंजेस करने हैं तो वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फेजेस हो सकते हैं जहाँ पे हमें अपने एग्रीमेंट में चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे। और उसी रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पहला सिचुएशन था, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। फिर हमने गुडविल की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए समझते हुए चले आ रहे हैं। अब एक और टर्म था हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, एक और फेज था हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज एडमिशन। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है क्या, बेसिकली समझिएगा, ये भी हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक फेज है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जब किसी भी वजहों से हमारे पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा रहा है और उसके जगह पे नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक नए एग्रीमेंट को फॉर्मेशन में लाया जा रहा है, तो वो हमारा टर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता था। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में जब कभी भी कोई भी चेंजेस आएंगे तो हम उसके डीड में चेंजेस करेंगे, और जब कभी भी डीड में चेंजेस होंगे तो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से समझेंगे। आज भी इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन क्या है बेसिकली, जब कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके अलावा भी कुछ और हैंड्स की उनको जरूरत है, कुछ और पर्सनल्स की उनको ज़रूरत है जो साथ में मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पार्टनरशिप फॉर्म को और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अब वो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सनल होना चाहिए एज अ मेंबर जिसकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हो। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो उनको ऐसा लगता हो कि हमारे फर्म में जो कैपिटल है उस कैपिटल को हमें और रेज करने की जरूरत है, तो अगर कुछ और हैंड्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, तो हमारा कैपिटल बिल्डअप हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारी मार्केट इमेज और मार्केट रेपुटेशन और ज्यादा इनबिल्ड हो सकती है अगर हम कुछ ऐसे पार्टनर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लें जिनकी मार्केट रेपुटेशन, मार्केट इमेज बहुत अच्छी हो। तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे डिमांड्स हो सकते हैं, और उनके बेसिस पे जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करते हैं। और यही जो हमारा एक सिचुएशन होता है, इसी सिचुएशन को, इसी फेज को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे, आज के वीडियो में हम ये टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है एडमिशन, क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज है एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन करने के। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे अपने वीडियो को। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक मोड है रिकंस्टिट्यूशन का। रिकंस्टिट्यूशन समझ चुके हैं हम, जब कभी भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, और चेंजेस कैसे होते हैं, हम अपने पुराने क्लॉजेस, अपने पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस को कैंसिल कर रहे हैं और उसके जगह पे हम नए टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्मेशन में लेके आ रहे हैं और उसको इन्फोर्समेंट में लेके आ रहे हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहा जा रहा है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का मोड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक फेज है या फिर एक रीजन है। ठीक है,
ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। जहां पे हम क्या करते हैं, पुराने एग्रीमेंट को जो कि पुराने पार्टनर्स के कंसेंट से बना हुआ था उसको हम कैंसिल करते हैं और उसकी जगह पे एक नए एग्रीमेंट को फॉर्मेशन में लेके आते हैं, इन्फोर्समेंट में लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एक फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो एज पर द सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सब के म्यूचुअल कंसेंट से ही हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। याद कीजिए, जब हम अपने फंडामेंटल्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था और राइट्स ऑफ पार्टनर में हमने एक टर्म पढ़ा था कि एडमिशन इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मैंने आपको वही बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन के केस में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का केस नहीं चलता। अगर एक सिंगल पार्टनर भी डिसएग्री कर रहा है एडमिशन के लिए तो एडमिशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, कि अगर किसी एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करना है तो उस केस में आपको क्या करना है, जितने भी हमारे फर्म के पुराने पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में, उन सब का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, उन सब को एग्री होना कंपलसरी है किसी एक नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर द नीड्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या ऐसे नीड्स हैं, क्या क्या ऐसी जरूरतें हो सकती हैं जबकि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हाँ हमारे फर्म में कुछ और हैंड्स को बढ़ाने की जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी नेसेसिटीज हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले, समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज नीडेड इन टू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है देखिए, When more capital is needed for the expansion of business. हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने समझा था, क्या कहा जा रहा है कि जब हमारे फर्म में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, कैपिटल के एक्सपेंशन की जरूरत होती है, तो हमारे पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि हम एडमिशन कर लेते हैं। एडमिशन करने से क्या होगा, जो नया पार्टनर आएगा वो हमारे फर्म में हमारे साथ मैनेज, हमारा जो फर्म है उस बिजनेस को भी हैंडल करेगा, उस बिजनेस को भी संभालेगा और साथ ही साथ जब वो एडमिशन लेंगे तो कैपिटल लेके आएंगे जिससे हमारे फर्म की कैपिटल एक्सपेंड हो पाएगी। तो जब कभी भी हमें अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, अपने बिजनेस के कैपिटल का एक्सपेंशन करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। अगला क्या है, व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे मैनेजरियल स्किल्स या एक्सपर्ट पर्सनल्स की जरूरत होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल एरियाज को, जितने भी हमारे डिसीजन रिलेटेड एरियाज हैं, उन सारे एरियाज को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी नेसेसिटीज अराइज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें कुछ एक्सपर्ट पर्सनल्स चाहिए रेगुलर बेसिस पे जो कि हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी हेल्प करें, कुछ मैनेजरियल एक्सपर्ट्स हों, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हों, डिफरेंट जब एक्सपर्ट्स पर्सनल्स या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सनल्स की जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे केस में भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री होते हैं कि हम किसी अच्छे एक्सपर्ट पर्सनल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर के रूप में एडमिट कर लेते हैं। तो ये भी एक नेसेसिटी होती है जहां पे हम एडमिशन करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेप्यूटेटेड एंड रीओन्ड पर्सन इन द पार्टनरशिप। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म ऐसा चाहती है कि हमारा जो नेम एंड फेम है हम उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे पार्टनर के साथ इन टच में आना पड़ेगा जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिनका नेम फेम बहुत अच्छा है मार्केट में, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी ऐसे पर्सनल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप फर्म टच में आती है या कोई ऐसे पर्सन अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पार्टनरशिप फर्म की भी नेम फेम रेपुटेशन गुडविल इनबिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे नेसेसिटीज में भी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में एडमिशन करते हैं। टू एनकरेज अ केपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप।
कभी-कभी हम केपेबल एम्प्लॉयज को भी पार्टनर्स बना लेते हैं ताकि हम इनकरेज कर सके अपने अदर मेंबर्स को या अदर एम्प्लॉयज को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये डिफरेंट हमारे सिचुएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे नीड्स हो सकते हैं, जिसके वजह से एक पार्टनरशिप फॉर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट्स के द्वारा एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन किया जाता है। तो क्या क्या नीड्स है हमारे? कैपिटल के एक्सपेंशन के लिए, कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सनल्स के लिए ताकि हम अपने स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, मैनेजरियल डिसीजंस को प्रॉपरली इनटेक कर सकें, बिजनेस के एक्टिविटीज को प्रॉपरली रन कर सकें, अपने नेम फेम रेपुटेशन को इनबिल्ड कर सकें, या फिर एम्प्लॉयज के इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन के लिए कि जो केपेबल और अच्छा एम्प्लॉय होगा उसको किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, भविष्य में हो हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं जिसके वजह से एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है क्या क्या राइट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं एक पार्टनर की जब कभी भी वो एक पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या राइट्स है पार्टनर्स के। तो राइट्स, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एक नए पार्टनर एडमिट किए जाते हैं तो जिस डेट पे वो एडमिट हो जाते हैं उस डेट से उनके पास ये राइट्स हो जाती है कि उस डेट के बाद से उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रॉफिट्स इनकर होंगे उनके पास लीगल राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को शेयर करने का। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो पर्टिकुलर पार्टनर किस तरह के पार्टनर हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, तो अगर एक्टिव पार्टनर्स हैं तो उनके पास ये लायबिलिटी, उनके पास ये पूरी राइट है कि वो उस पर्टिकुलर फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। राइट्स टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स के पास ये भी राइट होता है, जो भी एडमिटेड पार्टनर्स होते हैं, कि उनके पास राइट होता है कि वो फर्म के एसेट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज क्या है। आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर विल बी लायबल फॉर एनी लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय द फर्म। और साथ ही साथ जिस तरह से राइट्स हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने का, फर्म के एसेट्स को यूज करने का, उसी तरीके से लाइबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर डे पे, जिस दिन पे नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, उसके बाद से फ्यूचर में जब कभी भी कोई भी लाइबिलिटीज अराइज होगी तो वो पर्टिकुलर पार्टनर भी लाइबल होंगे उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को बियर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं जो कि ऑटोमेटिकली मिल जाती है एक पार्टनर को जैसे ही वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ एडमिशन पे। हमने ये तो समझ लिया कि एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1931 के सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अंडर में बताया गया है कि सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से ही हम एडमिशन ले सकते हैं। हमने ये भी समझ लिया क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज है जिसके वजह से एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन होता है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये एडमिशन है क्या। तो चलिए कंसेप्ट ऑफ एडमिशन को डिस्कस करेंगे हम। एडमिशन मींस व्हेन ओल्ड पार्टनर्स अग्रीड विद म्यूचुअल कंसेंट टू एडमिट पर्संस इन द फर्म। क्या कह रहे हैं कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट यानी सारे के सारे पार्टनर्स अग्रीड हैं कि वो एक नए पार्टनर को फर्म में एंट्री देना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, एडमिशन मींस व्हेन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में यहां पे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स की बात हो रही है, ऑल पार्टनर्स, ऑल ओल्ड पार्टनर्स अग्रीड विद द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट यानी सबका कंसेंट है, सभी के सभी यहां पे अग्रीड है, ठीक है, बिना किसी के फोर्स में आए सब म्यूचुअली अग्रीड है, खुद के कंसेंट से अग्रीड है। किस चीज के लिए? टू एडमिट पर्सन इन द फर्म, किसी एक पर्सन को एज अ पार्टनर अपने फर्म में एडमिट करने के लिए, उसी का टर्म को हम क्या बोलेंगे, एडमिशन। तो एडमिशन में हमने तीन मुख्य बातें देखी, तीन मेन पॉइंट्स देखे, कौन कौन से। सबसे पहला था कि ऑल पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना चाहिए,
और किस तरह का एग्रीमेंट है वो, तो म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे एग्रीड होने चाहिए। और किस चीज के लिए, पर्सन को एडमिट करने के लिए, ठीक है। तो क्या टर्म कहलाएगा हमारा, एडमिशन कहलाएगा, ठीक है। विद द रिजल्ट ऑफ एडमिशन ऑल पार्टनर सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। जाहिर सी बात है, जस्ट सपोज कि मेरे पास में 10 पेन्स हैं, ठीक है, और हम दो लोग हैं, मान लीजिए मैं हूं और मेरे कोई एक कलीग है, हम दो लोग मिलके कोई एक काम कर रहे हैं और मेरे पास में 10 पेन्स हैं, मैं कह रही हूं कि ये पेन्स हमारे बीच में बटेंगे, तो जब कभी मैं उसकी शेयरिंग करूंगी तो उसके शेयर्ड पर्सन कितने होंगे, मैं और मेरे कलीग। बट जब कभी भी हमको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, और तब उसके बाद किसी और को इन्वॉल्व करने के बाद जब मैं उस 10 पेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? कम इस वजह से होगा क्योंकि अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा था, अब मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोगों में 4 लोगों में करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेयर था, हमारा जो पहले शेयर हुआ करता था, वो अब सेक्रीफाइस हो रहा है। किसके बिहाफ में सेक्रीफाइस है, किसके बिहाफ में सरेंडर हो रहा है, तो हम अपने म्यूचुअल कंसेंट से जिस पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को अपने साथ बुला रहे हैं, अपने साथ एडमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात कही गई है कि जब कभी भी एडमिशन होता है तो उसके रिजल्ट से क्या होता है, उसके रिजल्ट से जो पुराने पार्टनर्स थे या जो हमारे फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उनका शेयर सरेंडर हो जाता है किसके फेवर में, नए एडमिटेड पार्टनर के फेवर में, ठीक है। एंड टू कॉम्पनसेट द शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कॉम्पनसेशन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल अलॉन्ग विद द कैपिटल द फर्म। और इसी वजह से जब कभी भी एडमिशन होता है तो जो भी हमारे न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स हैं उस पर्टिकुलर सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करने के लिए गुडविल के फॉर्म में वो कॉम्पनसेशन अमाउंट लेके आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, जो कि बांट दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। गुडविल की टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं हम। अब यहाँ पे गुडविल का सेंस क्या है समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक फर्म है जो कि मैं चलाती हूँ, ठीक है, मैं और मेरी एक कोई कलीग है जो हम मिलके चलाते हैं एज अ पार्टनरशिप फॉर्म के तरीके से। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ और लोगों को एडमिट करना चाहिए जिससे कि हमारी गुडविल, हमारी रेपुटेशन और अच्छी हो जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा, मार्केट में मेरी पहले से एक रेपुटेशन है, मैं और मेरे कलीग ने मिलके इस पार्टनरशिप फर्म को पिछले कई सालों से चलाया हुआ है, और हमारे नाम पे, हमारे गुडविल, हमारे रेपुटेशन के नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। तो जो कुछ भी ये ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही है, जो कुछ भी प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रहा है, वो किसके नेम फेम के बेसिस पे चल रहा है या किसके हार्ड वर्क के बेसिस पे चल रहा है, हम पार्टनर्स के बेसिस पे चल रहा है। अब जब कभी भी एक न्यूली एडमिटेड पार्टनर आएंगे तो उन्होंने अभी तक कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हमारे फर्म में, बट उनके पास ये राइट है कि जिस दिन से वो एडमिट हो जाएंगे उस दिन से फर्म के प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होगा। बट उन्होंने पीछे कोई काम तो नहीं किया, उन्होंने फर्म के रेपुटेशन को इनबिल्ड करने में कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो इसी वजह से जो अमाउंट हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए, जो शेयर हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए, उसके कॉम्पनसेशन के बिहाफ में वो एक अमाउंट हमको सरेंडर करेंगे, और उसी अमाउंट को हम यहाँ पे गुडविल बोलते हैं, ठीक है। हमारी गुडविल पहले से बनी हुई है और उस गुडविल को वो भी शेयर करेंगे, तो इसी वजह से उस गुडविल के कॉम्पनसेशन के बिहाफ में हमें कुछ अमाउंट सरेंडर करेंगे वो, जिस और किस शेयर में करेंगे, जिस शेयर में हमने अपना शेयर उनको कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझाई जा रही है, क्या कहा है देखिए, एंड टू कॉम्पनसेट द शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कॉम्पनसेशन अमाउंट। न्यू पार्टनर क्या करता है, कॉम्पनसेशन अमाउंट ब्रिंग करता है, किस फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में, जिसको शेयर कर दिया जाता है किसके बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में या उन ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने अपने शेयर को नए पार्टनर के वेलकम के लिए कॉम्पनसेट कर दिया होता है या नए पार्टनर के वेलकम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया होता है। ऐसे पर्सनल्स को या ऐसे पार्टनर्स को, नए पार्टनर जब आते हैं तो शेयर ऑफ गुडविल लाते हैं और वो अमाउंट उनको कॉम्पनसेशन के बिहाफ में मिलता है।
ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एडमिशन। क्या था बेसिकली कि जब कभी भी ओल्ड पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री करते हैं तो वो एडमिशन करते हैं। एडमिशन करते टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं अपने शेयर को नए पार्टनर के बिहाफ में सेक्रीफाइस करते हैं, और उस सेक्रीफाइस के बदले नए पार्टनर जब आते हैं तो कैपिटल के साथ गुडविल का अमाउंट लेके आते हैं, जो कि एज अ कॉम्पनसेटरी अमाउंट होता है उनके सेक्रीफाइस के बिहाफ में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पोर्शन था जहां पे हमने कंसेप्ट ऑफ एडमिशन समझा। अगले वीडियोस में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में किए जाते हैं। तो होपफुली आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, क्या है ये, किस सेक्शन के अंडर में एडमिशन किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में, क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज हैं जिन वजहों से एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन किया जाता है, और एडमिशन का कंसेप्ट क्या है। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।